ट्रांसिट इनर प्लेन, ये प्लेन स्पेशली आपको जेट प्लेन्स या आरसी के हाई स्पीड प्लेन बनाने से पहले बनाना चाहिए। ये बिगनर्स प्लेन है, इसकी फ्लाइट ड्यूरेबिलिटी और स्पीड सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, और ये हवा में बहुत स्टेबल प्लेन है। ये इसके कुछ फ्लाइंग के शॉट्स हैं। ये बहुत स्मूथ फ्लाई होता है और इसको आसमान में संभालना भी आसान है, कोई स्ट्रगल नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा हवा का मसला रहता है, ज़्यादा हवा चल रही है तो फ्लाई ना करें। इसके पहले मैंने आपको मेक 29 और F-22 रैप्टर्स जेट प्लेन की वीडियोस बना के दी थी। बिगनर्स प्लेन मैंने पहले ही बनाया होता बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसके कुछ वीडियोस मिसिंग हो गई थी, सो इसे मैं अपलोड नहीं कर पाया था। देन उस वीडियोस का मैंने डेमो बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैंने दोबारा से इसकी रीअसेंबलिंग दिखाई है। ये सारे PDFs हैं जो मैंने डाउनलोड करने के बाद आपस में जोड़ने के बाद कट ऑफ किया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और सारे पेजेस को टेप्रॉन शीट पे रख के नॉर्मल सी कटिंग कर ली है। ये प्लेन के फ्यूजलास का सबको मॉडल बड़ा दिख रहा होगा और ये छोटा है, पर छोटा इसलिए है क्योंकि ये सैंपल मॉडल है कि कैसे कैसे मैंने सारे पार्ट्स ऐड किए थे, क्योंकि इसकी वीडियोस मिसिंग हो गई है मेरे पास से, और रिटर्निंग के लिए पूरा फिर से प्लेन बनाना पड़ेगा। सो मैंने एक आइडियल फ्यूजलास कैसे बनाया था अटैच होके उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। और वीडियो डालना कोई ज़रूरी नहीं था बट डाल इसलिए दिया क्योंकि भैया हमारे भी बचपन के ख्वाब थे कि प्लेन उड़ाएंगे, पर घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, एक्सपेंसिव होते थे। सो एक टाइम आया तो मैंने कहा मैं खुद से ही बनाऊँ, ना जो उस लायक है तो कुछ बनाते हैं ताकि जो चीज़ें हमने झेली वो कोई और ना झेले। ये मार्किंग है विंग्स की, एक ही साइड की कटिंग आपको प्लान में मिलेगी, आपको दूसरे साइड का सेम टू सेम कटिंग करना है। ये मैंने नॉर्मल से पेपर पे देखी है वैसे कटिंग किया है। इसके सेंटर पॉइंट को एक हाफ कट मारना है मैं पहले यहाँ से, क्योंकि इसकी एयरफॉइल का शेप तभी आएगा। आगे वीडियो में इसका ओरिजिनल विंग है बट स्टार्टअप की कटिंग के शॉट्स मिस हो गए थे, सो उसी का मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ छोटा करके। ये नॉर्मल सा हाफ कट करना है ताकि ये बैड हो सके, और कटिंग करने के बाद हम एक साइड में नॉर्मल सी ऐसे पतली पतली कटिंग करनी है ताकि इसको बैंड होने में आसानी रहे, फिर इसको धीरे धीरे करके बैंड कर देना है। ये स्ट्रिप भी कटिंग में प्लान के अंदर है, इसको आप नॉर्मली जो प्लान में मार्किंग है उसी जगह पे एज इट इज़ को फिक्स कर दीजिए, और इसी के ऊपर विंग आपके फोल्ड हो जाएंगे ताकि एयरफॉइल में डिसबैलेंस ना हो। सभी चीज़ें हॉट ग्लू से अच्छी तरीके से चिपका लें ताकि विंग्स आपस में जॉइंट हो जाए, अंदर खुल जाएगा। एयरफॉइल का शेप जो मैं दिखा रहा हूँ ये सही बना नहीं है बट मैंने फोल्ड करने का तरीका दिखाया कि राउंड कैसे होगा। यहाँ पे एलरॉन कटेंगे, अब इसका मैं रियल विंग आपको दिखाता हूँ जो कि काफ़ी बड़ा है। ये सभी आरसी ट्रेनर प्लेन से काफ़ी हैवी प्लेन है जो कि तकरीबन 4.5 या 5 फीट का प्लेन है। नॉर्मल से नॉर्मल मोटर से फ्लाई कर सकते हैं, और आसमान में इसका फ्लाई बहुत ही स्मूथ है। ज़्यादा कैपेसिटी है बैटरी को उठाने की, लोड ज़्यादा ले सकते हैं, और चूँकि ग्लाइडर फीचर्स इसमें इनबिल्ड रहते हैं सो उड़ने में बहुत ही स्मूथ है। दोनों विंग्स बन गए हैं, अब रियल वीडियो देखिए। ये है आपकी असली विंग का शेप, ऐसे ही रहेगा। ये बीच में फ्यूजलाज लगा हुआ है, सॉरी जो फ्यूजलाज अटैच होने एलरॉन्स कटे हुए हैं।
एक वुडन स्टिक मैंने ली हुई है जिसे सेंटर मार्किंग की है, और इसको नॉर्मली हाफ मैं इधर ग्लू कर दूंगा हॉट ग्लू से, और दूसरा विंग भी जो मैंने बनाया है इसका वो भी ऐसे ही अटैच कर दूंगा इसमें। विंग्स को अलाइनमेंट करके ही लगाएं। विंग एक साइड से थोड़ा सा उठा रहेगा जो कि तकरीबन आपका 80 mm रहेगा, वी शेप में थोड़ा सा विंग रहेगा। तो ये सर्वो की लोकेशन है, जो मैंने विंग के अंदर जो गैपिंग थी उसी में मैंने अटैच कर दिया सर्वो मोटर्स को, और वायर लंबा करके सेंटर से निकाल दिया। आप भी दोनों सर्वो मोटर्स को एक ही वायर पर अटैच करके हम निकलते हैं। विंग का शेप आप देख रहे हो थोड़ा वी टाइप का है, 90 mm अप है एक साइड से। अब पैकेजिंग टेप से हम इसकी डेकोरेशन का काम करेंगे ताकि ये खूबसूरत भी दिखे और इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। विंग काफ़ी लंबा है, इसमें मैंने कोई सपोर्ट बार या स्टिक नहीं डाली हुई है, सो इसकी पैकेजिंग टेप से पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विंग आप आसमान में तोड़ जाएंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि 4 से 5 फीट के विंग है इसके, तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्लेन है। सो फ्लाई करने से पहले अपनी लोकल अथॉरिटी में पता कर लीजिए ताकि किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो आपको। आरसी प्लेन उड़ाने में भी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। सो मैं तो आउटर में जाके बिल्कुल गांव में उड़ाता हूँ इसलिए इशू नहीं होता, बट आप सिटी विटी में उड़ाएंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि छोटे टॉय प्लेन नहीं है, काफ़ी हैवी प्लेन सर, तो किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो सो इस चीज़ को देख लें। और मेकिंग स्टेप नॉर्मल है, पहले तो प्रॉब्लम्स होती थी ये सब चीज़ें परचेज करना या उड़ाना, पर नॉर्मली आप खुद से बनाओगे तो आपको मज़ा भी आएगा, फन भी होगा और शौक भी हमारी तरफ पूरे ही हो जाएंगे। नॉर्मल सर्वो के लिए होल किया हुआ, सर्वो के लेवल पे लाने के लिए मैंने थोड़ा सा डेप्रॉन नीचे भी लगा दिया ताकि सर्वो का लेवल बिल्कुल विंग के बराबर हो जाए, ताकि किसी भी टाइप का एयर का डिस्टॉर्शन ना हो, और हॉट ग्लू से इसको मैंने चिपका दिया। सर्वो को पहले से ही न्यूट्रल पोजीशन पे कर लीजिएगा, नहीं तो ऐड करने के बाद अब इसके स्क्रू को टाइट या ढीला नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रल पोजीशन पे करने के लिए आप आरसी रिमोट में लगाकर इसको ऑन करेंगे तो ये अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगी, देन तब इसको फिक्स कीजिए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, विंग आपका टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा, स्कैलरॉन एलिवेटर जो भी ये सारी चीज़ें। ये दोनों साइड की सर्वो लग गई हैं, अब इस पर कंट्रोल रॉड और लिंकेज ये सब लगानी है। ये मैंने पीवीसी कटिंग करके बनाई है कंट्रोल रॉड, आप चाहो तो परचेज कर सकते हैं, पर बना लो ज़्यादा आसान है, अपनी तो जहाँ पे 2 रुपये का सामान वहाँ पे 100 रुपये लगा के आ जाओगे। आप पीवीसी नॉर्मल गर्म करके मोड़ के होल कर लो सुई से या किसी भी चीज़ से, और इस पर वायर भी जो यूज़ किए हैं कंट्रोल ऑन के लिए ये नॉर्मल से वायर था जो मार्केट में आसानी से मिलते हैं, 2-4 रुपये के मिल जाएंगे आपको। और ज़्यादा मजबूत चाहिए तो आप साइकिल का स्पोक्स यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल होल को फिक्स करने से पहले मैं वहाँ का थोड़ा सा सेलो टेप निकाल लूँ ताकि आसानी से ये डेफ्रॉन पे चिपक जाए और निकले नहीं। बाकी प्लेन से ज़्यादा लंबी वीडियो है, पर देखनी पूरी है और समझनी भी पूरी है क्योंकि विंग्स बनाने में बड़ा टाइम है और जॉइंट करने में भी बड़ा टाइम लगा इसमें। वीडियो भले ही 24 मिनट्स की आपको लग रही है पर टाइम टेकिंग था, 3 से 4 दिन के ऊपर लग गया था इसको बनाने में, कि बाकी भी काम करने हैं ना भाई, सिर्फ प्लेन ही तोड़ाने नहीं है। शौक था हर तरीके का प्लेन देखने का, सो पूरा कर लेते हैं इसी बहाने। और चैनल बना के उस पर वीडियोज डालने का कोई स्पेशली मोटिवेशन नहीं था कि मुझे कोई यूट्यूबर बनना है या लिंक चाहिए ढेर सारा या पैसे कमाना है, कोई ऐसा कोई भी सीन नहीं है, बस सिर्फ लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं डाल रहा हूँ वीडियोस ताकि किसी के काम आ सके।
ये लिंकेज रॉड है, इसको नॉर्मली देखिए मैंने कैसे एल शेप में बैंड कर लिया, ऐसे ही आप भी करके इसको ज्वाइंट कर लो। अलाइनमेंट जरूर कर लीजिएगा मार्किंग करके, नहीं तो पता चला एक एलो नीचे एक ऊपर है और आपका पेन राइट में नाचते ही रहता है गोल गोल। दोनों साइड के कंट्रोल हॉर्न्स ऐसे ही लगेंगे और लिंकेज रॉड भी नॉर्मली ज्वाइंट होंगे। ये जो फड़फड़ की आवाज़ आ रही है आपको, ये मेरे प्लेन की नहीं आ रही है, पीछे मेरे दोनों पोपट्स हैं, हाँ मिट्ठू जो कि उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मैं केज में तो रखता नहीं हूँ, ओपन ही रहता है। ये मूवमेंट्स करके आप देख लो सर्वोच्च से। बेटा रुक जाओ दो मिनट, वीडियो बना लेने दो। हाँ हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक मत दो। ये अपना फ्यूजलाज है और इसमें जो मैंने व्हील्स लगाए हैं ये भी डेप्रॉन की कटिंग करके नॉर्मल से व्हील्स हैं, और मैंने साइकिल के स्पोक्स ही लगाए हैं इसमें भी, प्लाईवुड पे करने के बाद नॉर्मली इसको मैंने चिपका दिया नीचे ताकि टूटे ना। और ये कमज़ोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, लैंडिंग के टाइम पे भी टूटेंगे नहीं, क्योंकि देखने में वायर लग रहा है बट ये हार्ड वायर है और काफ़ी मजबूत है। ये मिनिमम 2 kg का वेट आराम से ले सकते हैं ड्रॉप के टाइम का। ये फ्यूजलाज पे भी मैंने पैकेजिंग की हुई है, पहले आपको मैंने मॉडल फ्यूजलाज दिखाया था, ये इसका ओरिजिनल फ्यूजलाज है, इसके वीडियोस थे तो मैंने दिखा दिया। आगे की गैपिंग खुली हुई है जहाँ पे आपको फ़ैन लगाना है। प्लेन बनाना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, मेन इसके प्लान्स होते हैं जो कि मैंने पीडीएम में दे दिया ताकि आपको कटिंग में कंफर्म ना करना पड़े कि क्या चीज़ कितनी लंबी कटनी है छोटी कटनी है। आप ऐसे ही सेम आइडियाज़ लगा के बाकी भी बना सकते हो। बस ये है कि फ्यूजलाज और आपके एलरॉन एलिवेटर जितनी भी चीज़ें लगती हैं इनके अलाइनमेंट जरूर चेक कर लिए, टेढ़े मेढ़े ना हो, सारी चीज़ें सीधी हों, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा होने का मतलब है कि ज़मीन पे तो चलना नहीं है कि कैसे भी चल जाएगा, आसमान में फ्लाई होना है सो मैटर करता है। तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले क्लियर कर लीजिए कि कोई भी चीज़ टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, और ग्लू करने में कोई कंजूसी ना कीजिए, अच्छे से हॉट ग्लू से हर चीज़ बैंड कीजिए, ओवर भी मत करिए बैंडिंग, बट चेक कर लीजिए फ्लाई करने से पहले सारे पार्ट्स। ये इसके ऊपर की सेंटर गैपिंग थी जिसको मैं पैक कर दिया था, सो उसको खोल रहा हूँ। यहाँ से ही मुझे सारे एलरॉन के वायर निकालने हैं। मिट्टू शांत हो जा बेटा, 2 मिनट रुक जा भाई। हाँ मिट्टू, हाँ मिट्टू बे, हाँ मिट्टू बेटे काम करने दो बेटा। ये एलिवेटर्स पे भी टेपिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर के टेप लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा हो जाए। और ये आप अपने पसंद के कलर्स की टेपिंग लगा सकते हो, ग्राफिक्स कर सकते हो, हर चीज़ आप अपने पसंद से लगा सकते हो। ये प्लेन बाकी प्लेन से ज़्यादा अच्छे होते हैं उड़ने में, इसको कोई भी आसानी से उड़ा सकता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत आसान भी नहीं है बट आसान ही है। और आपको और भी स्टेबल प्लेन चाहिए जो कोई भी उड़ा सके तो उसके लिए आप इसमें जायरो यूज़ कर सकते हो जो ऑटो पायलट की तरह काम करता है, अगर प्लेन राइट लेफ्ट होगा तो वो कंट्रोल कर लेगा। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगा, मेरे पास जायरो भी है। तो 6x6 में काम करता है, प्लेन का हेड डाउन होने पर और अप होने पर दोनों पे ही काम करता है। इसी गैपिंग का विशेष ध्यान रखें ताकि विंग्स ऊपर नीचे आसानी से हो सकें पीछे के एलिवेटर्स के आपके।
नहीं तो मोमेंट में प्रॉब्लम होगी। बिट्टू चुप हो जा बेटे, आज तो तुम सुपरस्टार बन जाओगे नहीं तो। यही है एनिमल्स को खुला रखने का, खुश रहते हैं सब। कभी भी बांध रख के रखने का कोई मतलब नहीं होता। ये आपके हो चुके हैं पीछे के विंग्स जो मैंने लगाए हुए हैं रडर में, इसमें मैंने रडर भी यूज़ किया हुआ है। ये मोटर में लगा रहा हूँ आपके एलिवेटर के लिए, सर्वो मोटर है नॉर्मल सा, यहीं पे कटिंग करनी है और इसको अंदर कर देनी है। प्लेस आप देखते रहो किस जगह पे लगाना है, आप इसको राइट पे लगाओ या लेफ्ट पे, दोनों साइड पे कहीं भी लगा सकते हो। तो नॉर्मल शार्प कटर से कटिंग करके गैप कर लीजिए। ये ऐसे ही फिक्स करनी है दबा कर, और बाद में ग्लू भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि दबा दिया और फिक्स हो गई, ये तो फिलहाल मैं दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। आप इसको राइट लेफ्ट दोनों भी लगा सकते हो, एलिवेटर के लिए, प्लेन को लिफ्ट करने के लिए, और रडर के लिए नीचे। ये मैं एज इट इज़ वही पुरानी कंडीशन, कंट्रोल हॉर्न लगाने से पहले थोड़ा सा एरिया उसमें बना रहा हूँ ताकि कंट्रोल हॉर्न नॉर्मल लग जाए और फ्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, एयर रिस्ट्रिक्शन ना फंसे कोई इसमें। ये लगे कंट्रोल रूम का पीछे का एलिवेटर का, और ये जो पीछे आप वुडन का पीस देख रहे हो यहाँ पे मैं इसका छोटा वाला व्हील लगाऊंगा। उस व्हील का जो स्टीयरिंग है उसको मैंने रडर में ऐड किया हुआ है ताकि जब मैं ज़मीन पर इसको रन कर रहा हूँ तो रडर राइट लेफ्ट हो तो उसका व्हील भी राइट लेफ्ट हो और ज़मीन पर भी इसका डायरेक्शन मेंटेन रहे। अच्छे से हॉट ग्लू से इसका कंट्रोल हॉर्न अप लगा दो। और सर्वो के लिए आपको पहले ही बताया कि आपको न्यूट्रल पोजीशन में ही सारा सर्वो पहले से ही रखना है। ये नॉर्मली हो गया, रडर के लिए ऊपर लगाएंगे सर्वो यहाँ पर कटिंग करके। ये लग गया रडर के लिए सर, वो न्यूट्रल पोजीशन नहीं थी, इसको न्यूट्रल करने गया था, न्यूट्रल करके आ गया। ये कंट्रोल हॉर्न मैंने उसमें ही लगा दी नॉर्मल। अरे चुप हो जा भाई, सुबह के 3 बजे यार तुम लोग को पिट्ठू पिट्ठू आ रहा है, नॉर्मली नहीं बैठ सकते हो। आपका रडर का लिंकेज रॉड लग गया और ये एलरॉन का, सॉरी ये बैकग्राउंड साउंड तो आपको सुनना ही पड़ेगा नहीं तो वीडियो पोस्टपोन करनी पड़ जाएगी। कंट्रोल हॉर्न्स की बैंडिंग देख लीजिए कैसे की जाती है, ये देख लीजिए सारे कंट्रोल हॉर्न्स ऐसे ही बैंड किए जाते हैं। थोड़ा सा तिगड़ा है बट सीधा कर लीजिए इसको। ये लग गया आपका, हाँ मिट्टू बेटे ये एलिवेटर का आपका लग गया कंट्रोल हॉर्न। इसी तरीके से रडर का लग जाएगा, ये मोमेंट आप देख रहे हो एलिवेटर का। इसका CG 65 mm लीडिंग है इससे फ्रंट से, तो CG आप समझ ही रहे हो, बिना CG मिलाए प्लेन उड़ाना बहुत मुश्किल है। 65 mm है लीडिंग है इससे, तो मैंने मार्किंग कर दी। और ये रहा RC का कनेक्शन, एलरॉन मैंने नंबर 3 पे लगाया और नंबर 4 पे मैंने आपका एलिवेटर लगाया हुआ है। रडर के लिए मैंने नंबर 1 को यूज़ किया है और मोटर को चलाने के लिए नंबर 2 का। ये नंबर 1 है, आप चलिए कनेक्शन करता हूँ। ये नंबर 1 पे मैंने लगा दिया रडर, नंबर 2 PSC लगेगी आपकी, ESC की सप्लाई सब पे जाती है। ये नंबर 3 पे लगा दिया एलरॉन, और ये नंबर 4 पे आपका लग गया एलिवेटर।
और ये आगे लग गया मोटर की एसी का वायर नंबर 2 पे। मोटर मैंने माउंट करते हुए नहीं दिखाया, मोटर नॉर्मल है, एक नॉर्मल से पीवीसी पाइप पे या ये वुडन स्टिक है, वुडन पे होल्ड करके नॉर्मल से मैंने मोटर इसमें पैक कर दी है, कुछ स्पेशल साइंस नहीं लगाया इसमें। सो मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा था, और मैंने अपनी एसी के ऊपर ऑलरेडी एल्युमिनियम का हीट सिंक लगाया हुआ है, क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा जलती है, अगर प्लेन क्रैश होता है और उसका विंग रुक जाता है नाचना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। 2500 mAh की बैटरी है, अच्छा खासा फ्लाइट टाइम है इसका, ऑरेंज कंपनी की है, बेटर है। और विंग को लगाने के लिए मैंने साइड में इसमें देखिए स्टील के रॉड्स डाले हुए हैं दो छोटे छोटे, ये कनेक्शन वायर्स बता रहा हूँ फिर से आपको कहाँ, क्योंकि ये रॉड्स लगाई हुई हैं, ये साइकिल के स्पोक्स हैं, इस पर रबड़ बैंड से आपको विंग क्लिप करना है। विंग आप चाहो तो प्रॉपर के लिए फिक्स कर सकते हो, मगर इतना बड़ा प्लेन कहीं पर लाना ले जाना है तो आप विंग फिक्स करने के बाद ले जा के ले नहीं पाओगे, टूट जाएगा सब, तो नॉर्मल से रबड़ बैंड से क्रॉस कनेक्शन कीजिए ऊपर से। चुप हो जाए यार, बैकग्राउंड म्यूजिक मेरी। और रबड़ थोड़ा अच्छी क्वालिटी की लगाई नहीं, मालूम चला आसमान में रबड़ खुल गया तो फ्यूजलाज नीचे आ गया, प्लेन ऊपर ही रह गया। तो ये उड़ने के लिए तैयार है, ये फाइनल मॉडल बन के रख गया, सीजी चेक कर लिया ऑलरेडी मैंने इसका 65 mm पे, सारे पार्ट चेक कर लिए, ये फैन आपका, रडर, रडर मूवमेंट हो गया आपका, एलरॉन और ये एलिवेटर, सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है। मोटर को मैंने फ्रंट की जो मोटर है इसको मैंने 4 degree कर्व पे लगाया है साइड में, ताकि इसमें उतने टाइम रोटेशन का प्रॉब्लम ना आए, थोड़ी टेक्निकल चीज़ है तो आप भी ऐसे करिए। चलिए इसको उड़ाते हैं। सो काफ़ी मेहनत की, बचपन के ख्वाब पूरे हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखा सकूं। सब्सक्राइब करने का इशू और कुछ नहीं है, और बेल नोटिफिकेशन का कहना इसलिए पड़ रहा है ताकि नेक्स्ट टाइम पे आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता चल सके कि क्या आया। सो प्लेन बहुत ज़्यादा देर तक तो फ्लाई नहीं की थी, क्योंकि गांव का एरिया था और टाइम भी नहीं था, धूप बहुत थी, तो जो हो सका फ्लाई किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए और उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, मतलब सॉरी मिल सके। ओके, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय द फ्लाइट। अरे मेरे बच्चों, बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हारी तो बंद हो जाए।